हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल बीट द नीट। और वापस से मैं आप लोगों के साथ में हूँ। आज क्लास 11th हम लोग करने वाले हैं। साइटोलॉजी मैंने स्टार्ट की है, यानी कि मैं आज आपका अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई की ऑडियो बुक बनाने वाली हूँ। साथ ही साथ में आपकी क्लास 12 की भी ऑडियो बुक्स पैरेलल बन रही हैं। दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आपको जिस टाइम पे जो रिवीजन करना हो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में एनसीईआरटी का रिवीजन करते हैं तो उनके लिए वो भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप जाएँ स्पेसिफिक इस प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे जा कर के आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की भी मैं बना रही हूँ, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं स्पेशली उनकी। और साथ ही साथ अब मैंने हिंदी की भी एनसीईआरटी ऑडियो बुक आप लोगों की रिक्वेस्ट में, आप लोगों का प्यार देख करके बनानी स्टार्ट कर दी है। एक और रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोगों से, आप लोग मेरे 1 मिनट बायोलॉजी के वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं जो आपके बार बार नीट एग्ज़ाम में जिन टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक पे मैंने उन 1 मिनट की ड्यूरेशन में उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कैप लिया है, ताकि मैं आप लोगों को 1 मिनट के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूं। सो आप लोग वो भी सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा आपके रिवीजन में हेल्पफुल होंगे। और हाँ, आप लोग ये ऑडियो बुक अपने दोस्तों से तो शेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि जिस तरह से आपको इनकी हेल्प मिल रही है, हो सकता है उनको नहीं पता हो कि इस तरह की ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है। और उनकी हेल्प करना आपका फ़र्ज़ बनता है और आपकी हेल्प करना मेरे फ़र्ज़ बनता है, यानी कि मैं आप सभी के लिए ये ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इनको बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है आप लोगों को ये ऑडियो बुक्स को सुन के, आपको रिवीजन में किस तरह से हेल्प मिल रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास में मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई। जब आप चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे कि अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिसका कारण जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थित है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं। 8.1 कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र, नंबर 1 स्वतंत्र अस्तित्व यापन, व नंबर 2 जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्र की खोज की, सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फिंच कंट्रास्ट व फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। 8.2 कोशिका सिद्धांत। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथिस क्लीडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिले बने होते हैं, या फिर मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर शॉन ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। स्क्लीडन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनके यह सिद्धांत बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ वर्को ने 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनिस सेल्युला, ई सेल्युला, इन्होंने स्क्लेडन व श्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं एंड सभी कोशिकाएँ पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ये आपकी सेल थ्योरी है। 8.3 कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ से आपने प्याज के छिलके या मनुष्य के गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे, जिनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं।
इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम यानी कि होता है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है इसे यूकैरियोट, व इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्धतल आव्यू मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाएं हुए तो कोशिका द्रव्य का प्रमुख स्थल होता है और कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग यानी सेलुलर ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, गोल्जी सोम और या फिर गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एवं रसधानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। ये आप देख सकते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और यहाँ स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, वाहिनिका, दीर्घकृत एवं मध्योतकी कोशिकाएं। यहाँ विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक पौधों में व सूत्रकणिका में व खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका में भी मिलते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। उदाहरणार्थ सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3-5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं। यह बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, गनाभ, धागे की तरह या अस्माकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। 8.4 प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्ल्यूरोनिमोनिया समजीव यानी पीपीएलओ प्ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। सामान्यतया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेजी से विभाजित होती हैं। चित्र 8.2। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, दंडाकार, बेसलस, गोलाकार कोकस, कोशाकार विब्रियो एंड सर्पिल स्पाइलर। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट संलक्षणों को बताते हैं, उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के रूप साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिको अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की ये विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। 8.4.1 कोशिका आवरण और इसके रूपांतर। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंद कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे वाय परत, ग्लाइकोकैलिक्स, इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति व जीव द्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है पर ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणुओं को उनकी कोशिका के आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक एवं अन्य जो अभिरंजित नहीं हो पाते उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होते हैं। कुछ में यह ढीली अच्छत व जिसे अवपंक परत कहते हैं व दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है। इसे हम संपुटिका यानी कैप्सूल कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीव द्रव्य झिल्लिका प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है को मेसोसोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसकी संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है।
यह श्वसन स्त्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान व तथा अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाबिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाबिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाबिका फ्लैजिलम तीन भागों में बटा होता है, तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाबिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुशूक जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। 8.4.2 राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और दो उप इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं, यह एक एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। और उदाहरणार्थ फॉस्फेट कणिकाएँ, साइनोफाइसिन कणिकाएँ और ग्लाइकोजन कणिकाएँ। गैस राजधानी नील हरित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं पादप कोशिका और प्राणी कोशिका का, जिसका आगे मैं भी आप लोगों को रीड करके बताऊंगी। 8.5 यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सभी आदि जीव पादप प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतकी एवं कोशिकी कंकाल जैसी संरचना मिलती हैं। इनमें अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति लवक व एक बड़ी केंद्रीय राजधानी में मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आइए अब प्रत्येक कोशिकीय अंग की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें। 8.5.1 कोशिका झिल्ली। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो दो सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ झिल्ली वातावरण से सुरक्षित रहती है। चित्र 8.4। इसका अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु यानी रेथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किर्मिन नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। चित्र 8.4। इसके अनुसार लिपिड के अधर तलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्व गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। ये आप चित्र 8.4 देख लीजिए। यहाँ पे आपको इंटीग्रल प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की द्विसतह, शर्करा, परिधीय प्रोटीन, झिल्ली के तरली पदार्थ, प्रकृति, इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोश की संयोजन का निर्माण, स्त्रवण, अंतकोशिकी, कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है।
जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण जल द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसे ATP का उपयोग होता है। इसे सक्रिय या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जिसे सोडियम पोटेशियम पंप भी कहा जाता है। 8.5.2 कोशिका भित्ति। आपको याद होगा कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण की कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि ये कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज ग्लैक्टेन्स मैनन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज हेमीसेलुलोज पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नव पादप कोशिका कोई कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है व इसके साथ कोशिका के भीतर तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका मुख्यतया कैल्शियम पैक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास के विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति व मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्मेटा आड़े तिरछे रूप में स्थित होते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। 8.5.3 अंतः झिल्लिका तंत्र। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और नए अतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रवीय झिल जालिका गोल्जिकाए लैनकाए व रसधानी अंग आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक व परोक्सीसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं है, इसलिए इन्हें अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते। 8.5.3.1 अंतर्द्रवीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिका वक्त जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रवीय जालिका कहते हैं। चित्र 8.5 यहाँ पर है। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की अनुपस्थिति पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी लगती है, इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्त्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत मिलते हैं। ये काफ़ी फैली हुई होती है तथा केंद्र के बाहर झिल्ली तक फैली होती है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं और लिपिड की भांति स्ट्रॉइडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यी जालिका में होते हैं। 8.5.3.2 गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी अपैरेटस। कैमिलो गोल्जी 1898 ने पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाए कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती हैं, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिकाए कहते हैं। गोल्जिकाए में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्र के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें निर्माणकारी सतह यानी उन्नतोदर सिस व परिपक्व सतह उत्तावलातल ट्रांस सिस एवं ट्रांस मेम्ब्रेन होती है। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतया अलग होते हैं, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्त्रवण करना है। संवेष्टित द्रव्य अंतप्रद्रवी जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जिकाय के सिस सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जी बॉडी का अंतर्द्रवी जालिका से निकटतम संबंध है। अंतर्द्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जी बॉडी के ट्रांस सरफेस से निकलने के पूर्व इसमें कुंड के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। एंड गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। 8.5.3.3 लाइसोसोम। ये झिल्ली पुटिका संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी बॉडी में बनते हैं। पृथकीकृत
लयन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एवं कार्बोहाइड्रेजेस मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड आदि के पाचन में सक्षम है। 8.5.3.4 रजधानी यानी वैक्यूल। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रजधानी कहते हैं। इनमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी मिलते हैं। रजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टेफ्नोप्लास्ट से होकर रजधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रजधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। अमीबा में संकुचनशील रजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आदि जीव में खाद्य रजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। 8.5.4 सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को जब विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। यह आकृति व आकार में भिन्न होता है। यह तश्तरी नुमा बेलनाकार आकृति की होती है जो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 to 1 माइक्रोमीटर औसतन 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट जली कक्षों बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है मैट्रिक्स कहते हैं। वायुकला सूत्रकणिका की वाय सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतर झिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इसकी दोनों झिल्लियों में उनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित है। सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका की शक्ति ग्रह कहते हैं। सूत्रकणिका के आधात्री में एकल वृत्ताकार DNA अणु व कुछ RNA राइबोसोम्स तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। चित्र 8.7 यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 8.5.5 लवक यानी प्लास्टिड। लवक सभी पादप कोशिकाओं व कुछ प्रोटोजोआ जैसे युगलीना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं जैसे हरित लवक, वर्णीय लवक व अवर्णीय लवक। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णीय लवकों में वसा विलेय कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णीय लवक विभिन्न आकार के आकृति के रंगहीन लवक होते हैं जिनके खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंडल लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती के पर्ण मध्योतर कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं जो विभिन्न लंबाई 5 to 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 to 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लाइडोमोनास, हरित शैवाल में 20 से 40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका हो सकती है। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य में होती है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका यानी स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसे संरचना संगठित होती है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं जिसे ग्रैना या अंतरग्रैना थाइलेकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रैना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती हैं उसे पीठिका पटलिकाएं कहते हैं। थाइलेकोइड को झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है इसे अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार DNA अणु व राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। 8.5.6 राइबोसोम। जॉर्ज पैलाडे 1953 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयाँ बड़ी व छोटी उप इकाइयाँ होती हैं जहाँ एस कोस स्विटबर्ग
यूनिट अवसाधन गुणांक को प्रदर्शित करता है। ये अप्रोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों में 70S व 80S राइबोसोम दो इकाइयों से बना होता है। 8.5.7 साइटोस्केलेटन प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोस्केलेटन के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। 8.5.8 सीलिया तथा फ्लैजेला सीलिया व फ्लैजेला रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। सीलिया एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य के गति में सहायक होती है। कक्षाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका के गति में सहायक है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कक्षाभिका संरचनात्मक रूप में यूकैरियोटिक कोशाभिका से भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षाभ व कक्षाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके रहते हैं इनके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके हुए जो परिधि द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय छड़ बनती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.10 डायग्राम। परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षमाभ व कक्षाभिका तारक केंद्र संदृश्य संरचना से बाहर निकलते हैं जिसे आधारिकाएं कहते हैं। 8.5.9 तारक काय व तारक केंद्र सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल। तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिया जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भाग भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक की नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाभ व कक्षाभिका का आधारकीय या आधारिकाएँ बनाता है जो और तर्क तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्क उपकरण बनाता है। 8.5.10 केंद्रक यानी न्यूक्लियस कोशिकीय अंगक केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक से मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमैटिन का नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक अत्यधिक फैली हुई विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। केंद्रकीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। वह झिल्ली सामान्यतया अंतर्द्रव्यीय जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संगलन से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है लेकिन ऐसा देखा गया कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हों? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं जैसे स्तनधारी जीवों के रक्ताणु व संवहनी पौधों में चलनी नलिका कोशिका। क्या तुम मानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं? केंद्रकीय आधात्री व केंद्रक द्रव्य में केंद्रक व क्रोमैटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रक केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उनमें बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियों प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ों में बिखरा होता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन यानी पैकेजिंग कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।
गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रियोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तारक का गुणसूत्र के दोनों अदैक गुण सूत्रों को एक बिंदु पर पकड़कर रखना है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को चार प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। मध्य केंद्रीय यानी मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है जिसे गुणसूत्र की दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उपमध्य केंद्रीय सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु उसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी होती है। जबकि फिब्रोसेंट्रिक में फिबोसेड्रिंग में यानी अंत केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। यहाँ पे आप चारों के डायग्राम देख सकते हैं। एट पॉइंट फाइव पॉइंट वन वन सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडी। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। सारांश, सभी जीव कोशिका या कोशिका समूह से बने होते हैं। कोशिका आकार, कोशिकाएं आकार व आकृति तथा क्रियाएं कार्य की दृष्टि से भिन्न होती हैं। झिल्ली युक्त केंद्रक व अन्य अंगकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका या जीव को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नाम से जानते हैं। एक प्रारूपी यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक व कोशिका द्रव्य से बना होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली से बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीव द्रव्य कला चयनित पारगम में होती है जो बहुत सारे अणुओं के परिवहन में भाग लेती है। अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रव्यी जालिका गोल्जिकाएँ लयनकाएँ व रसधानी होती हैं। सभी कोशिकीय अंगक विभिन्न व विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। तारक काय व तारक केंद्र पक्षभाव व कशिकाभ का आधारी काय बनाता है जो गति में सहायक है। जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान तर्क उपकरण बनाते हैं। केंद्रक में केंद्रिक व क्रोमैटिन का तंत्र मिलता है। ये अंगकों के कार्य को ही नियंत्रित नहीं करता बल्कि अनुवांशिकी में प्रमुख भूमिका अदा करता है। अतः कोशिका जीवन के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अंतःद्रव्यी जालिका नलिकाओं व कुंडों से बनी होती है। ये दो प्रकार की होती है, खुरदुरी व चिकनी। अंतःद्रव्यी जालिका पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषण तथा ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। गोल्जी काय झिल्ली युक्त अंगक जो चपटे थैलीनुमा संरचना से बने होते हैं। इनमें कोशिकाओं का श्रवण संविष्ट होता है जिनमें सभी प्रकार के बृहद अणुओं के पाचन हेतु एंजाइम मिलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में या अंतर्द्रव्यी जालिका से संबद्ध होते हैं। सूत्रकणिका ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण तथा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में सहायक होता है। ये द्विक झिल्ली क्रिस्टी में अंतर्वलित होती है। लवक वर्णयुक्त अंगक हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। ये द्विक झिल्ली युक्त रचनाएं हैं। लवक के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया तथा पेटिका में अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। हरे रंगीन लवक वर्ण की वर्णक होते हैं जिनमें कैरोटीन तथा जेंथोफिल जैसे वर्णक मिलते हैं। पक्षभाव तथा कशाबिका कोशिका की गति में सहायक है। कशाबिका पक्षभाव में से लंबे होते हैं। कशाबिका तरंगी गति से चलती है जबकि पक्षभाव डोलनोदन द्वारा गति करता है। केंद्रक द्विक झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव्य व क्रोमैटिन पदार्थ को घेरे रहता है। प्राणी कोशिका में तारक केंद्र युग्मित होता है जो एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑडियो बुक कौन सी बनाऊँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये ऑडियो बुक कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। आप लोग इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ये बात भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए अगली ऑडियो बुक उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। एवरीवन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू थिंक दैट दीज ऑडियो बुक्स आर हेल्पिंग यू इन अ राइट मैनर। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय, टेक केयर।